अपने क्षेत्र की खबर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल गांव तक को सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाइए। माँ शारदा गणगौर मंडल जिनवाना आपसे निवेदन माँ भवानी के प्रांगण में ससम्मान के साथ आदर आमंत्रित कि चांद हंसते रहेंगे और चांदनी मुस्कुराती रहेगी। एक बार जोरदार ताली बजाओ, हमको मंत्री जी की याद आती रहेगी। जोरदार ताली से सम्मान, जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। माँ शारदा गणगौर मंडल जिनवाना आपसे निवेदन, समय का ध्यान रखते देवी जी के प्रांगण में शीघ्रता से पहुँचे माँ शारदा गणगौर मंडल जिनवाना के पश्चात जय माँ गायत्री गणगौर मंडल गोंदागांव आदरणीय धर्मेंद्र जी राजपूत आपसे भी निवेदन, अपनी संपूर्ण तैयारी रखें। आज माँ भवानी की पंचमरात्रि के शुभ अवसर पर बाहर से पधारे हुए सभी अतिथि मेहमानों का, माता बहनों का सार्वजनिक गणगौर महोत्सव समिति पाजल्या माल की ओर से पुनः हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। माँ शारदा गणगौर मंडल जिनवाना आपसे निवेदन, समय का ध्यान रखते देवी जी के प्रांगण में शीघ्रता से पहुँचे माँ शारदा गणगौर मंडल जिनवाना। हेलो, माँ शारदा गणगौर मंडल जिनवाना आपसे निवेदन। दो शब्द भाई साहब ग्राम वासियों के लिए। जय माता जी। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज गणगौर इस प्रांगण में आई है और गांव वालों के अथक प्रयास से ये कार्यक्रम सफल संपन्न होने जा रहा है। इसी तारित्रम में आज हमारे कुंवर विजय साह जी ने छोटे से हमारे निवेदन पे यहाँ पे आए। मैं गांव वालों की ओर से विजय साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस गणगौर मंडल में आए और सभी लोगों को अपना सम्मान और स्वागत किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बोल गणगौर मैया की। पाल्या में माता जी का इतना बड़ा आयोजन और इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताओं बहनों का इसमें भाग लेना, नितिन भैया और पूरे राठौर परिवार और पूरे जो भी इस मंडल से जुड़े हुए सेवककर्ता हैं, कमेटी के मेंबर हैं, मेरे ख्याल से मैंने अपने जीवन में इतना सुंदर पूरी व्यवस्था कहीं नहीं देखी। आप लोगों ने अथक प्रयासों से यह अद्भुत और अनोखा सहयोग यहाँ पे किया और सारी व्यवस्था करी। दूर दूर से पधारे हमारे सभी भक्तगण और आज मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ कि माता जी के चरणों पर प्रणाम करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। हर गांव में अभी हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं दो तीन दिन पहले आ नहीं पाया, बाबा साहब आए होंगे, आपकी भाभी जी आई होगी, लेकिन धर्म के प्रति जागरूकता अब बहुत जरूरी है। जैसा अभी हमारे मुन्ना भैया ने बतलाया कि हमारे समाज में धर्म के प्रति जागरूकता बहुत जरूरी है और धर्म की शिक्षा बहुत जरूरी है। पहले हर गांव में धर्म की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब कहीं स्कूल में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती। अभी चूंकि अभी चुनाव चल रहे हैं इसलिए कुछ बोलना नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा है कि हमारे हर गांव में इतवार की इतवार हमारी माँ बहनें जो अच्छा कह सकती हैं, बोल सकती हैं, हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं और भी अन्य समाज के हैं, इतवार के दिन हम एक घंटा
हमारे नौजवान, ये देश की भावी पीढ़ी, ये छोटे छोटे बच्चे बहनें, इनको हम कहीं इकट्ठा करके एक घंटा संडे के दिन हमारे हिंदू धर्म की शिक्षा दे। मैं समझता हूँ कि अगर ये हमने शुरुआत कर दी तो आने वाली पीढ़ियाँ हमारी अच्छी होंगी। इसलिए यही मेरी आज माता जी के यहाँ पर यहाँ बैठे बैठे मेरी इच्छा हुई कि जब धर्म जागरण के लिए आप लोग इतना बड़ा काम कर रहे हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हर जगह हम लोग सामुदायिक भवन बनाएं, संडे के दिन समाज के लोगों को इकट्ठा करें और ये जो देश की भावी पीढ़ी है उनको हम धर्म की शिक्षा दें, क्योंकि धर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। धर्म के बिना अच्छा आदमी बनाना संभव नहीं है, अच्छा नेता बनाना संभव नहीं है, अच्छा इंसान बनाना संभव नहीं है। बेसिक चीज़ें धर्म और धर्म जागृति के लिए हम भविष्य में संडे एक घंटे की क्लास लगाएं, ऐसी मेरी इच्छा है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम, जय श्री राम। जय माँ चंडी मैया। माँ चंडी भव्य मंदिर निर्माण, माँ चंडी दरबार टिमरनी, माँ चंडी मैया का भव्य मंदिर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें आप सभी भक्तगण सहयोग अवश्य प्रदान करें एवं पुण्य के सहभागी बने और सभी लोग माता रानी के मंदिर में सहयोग करें। जय माता दी।